पिछली वीडियो में हमने देखा कि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर हो तो उसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं किसी भी एटम में। इस वीडियो में हम देखेंगे आइसोटोप, आइसोबास, आइसोटोन एटसेट्रा एंड साथ साथ देखेंगे एटॉमिक मास का कैलकुलेशन करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटोप्स। ऐसे कोई भी एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो उन्हें हम आइसोटोप कहते हैं। फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इनमें हम देखें तो 1H1 एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, 1H2 एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, 1S3 एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर 3। मीन्स तीनों में हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर तीनों के ही डिफरेंट हैं। पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को एक ही प्लेस पर रखा जाता है। ऐसे एटम्स की, ऐसे आइसोटोप्स की एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं। यहाँ देखें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, 1, 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 1, 1, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड के इक्वल होते हैं। सेम टू सेम मास नंबर कितना है 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा 1-1, 0, 2-1, 1 एंड 3-1 इज इक्वल टू 2। एस्टोन डिस्कवर्ड आइसोटोप्स बट सॉडी गिव द नेम्स आइसोटोप्स। आइसोबास, ऐसे एटम्स जिनके मास नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं आइसोबास। मतलब यहाँ देखें हम एग्जांपल में तो हमारे पास आर्गन, क्रिप्टन और कैल्शियम है। इसमें हमारे पास मास नंबर 40, 40, 40, तीनों का मास नंबर सेम है बट इनके एटॉमिक नंबर 18, 19, 20 डिफरेंट हैं। तो ऐसे पेयर्स को हम बोलते हैं आइसोबार्स। यहाँ भी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा जेड के इक्वल, तो 18, 19, 20। इलेक्ट्रॉन भी जेड के इक्वल 18, 19, 20। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 22, 21 एंड 20। मास नंबर्स आर सेम। स्टीवर्ट डिस्कवर्ड आइसोबार्स और उन्होंने ही इसका नॉमिनेशन दिया था। आइसो न्यूट्रॉनी, ऐसे एटम्स जिनके मास नंबर भी अलग होते हैं एटॉमिक नंबर भी अलग होते हैं बट उनके न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं इन्हें हम बोलते हैं आइसो न्यूट्रॉनी। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। यहाँ अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर 14, 15, 16 डिफरेंट हैं, मास नंबर 30, 31, 32 डिफरेंट हैं बट न्यूट्रॉन नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे जेड माइनस ए से 16, 16 एंड 16, ये तीनों में सेम है। तो ऐसे एटम्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं आइसो न्यूट्रॉनी। आइसोडायफर्स, ऐसे एटम्स जिनका आइसोटोपिक नंबर सेम होता है उन्हें हम बोलते हैं आइसोडायफर्स। आइसोटोपिक नंबर हम A-2Z से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमियम एंड कॉपर का देखें तो इनके लिए जेड की वैल्यू है 24 एंड ए की वैल्यू है 55। जेड की वैल्यू 29, ए की वैल्यू 65। अगर हम इसका आइसोटोपिक नंबर निकालें दैट इज A-2Z, ए मतलब 55, 2Z मतलब 2 × 24, दैट इज 2 × 24, 48। तो 55-48, 7। सिमिलरली इसके लिए 65-2 × 29, 58 इज इक्वल टू 7। तो जिनके लिए आइसोटोपिक नंबर सेम होता है उन्हें हम बोलते हैं आइसोडायफर्स। एक और एग्जांपल देखते हैं आइसोडायफर्स का, फ्लोरीन एंड पोटेशियम। इसमें भी अगर हम देखें तो 19-2 × 9, दैट इज 19-18 इज इक्वल टू 1 एंड 13, 9-2 × 19, दैट इज 38 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे हैं आइसोडायफर्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे एटम्स या आयंस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फॉर एग्जांपल नियॉन में 10, फ्लोराइड में 10, सोडियम आयन में 10, ऑक्साइड में 10, मैग्नीशियम आयन में 10। क्लोराइड में 18, पोटेशियम आयन में 18, सल्फाइड में 18, कैल्शियम 2+ में भी 18, इन्हें हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब हम देखते हैं
एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो जो हमारा जनरल फॉर्मूला है एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का, दैट इज एटॉमिक मास इक्वल टू एम वन एन वन प्लस एम टू एन टू प्लस एम थ्री एन थ्री प्लस सो ऑन अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, वेयर एम वन एम टू एम थ्री आर मासेस ऑफ आइसोटोप्स एंड एन वन एन टू एन थ्री आर परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल हम एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं 13.1 का पहला क्वेश्चन। हमारे पास लिथियम के आइसोटोप्स दिए हुए हैं, आइसोटोप मतलब कि एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। इसमें हमारे पास जो पहला पार्ट है इसके लिए मास बना मास दिया हुआ है, दैट इज एम वन इज 6.01512U एंड लिथियम 37 का मास दिया हुआ है 7.0160U। लिथियम 36 का जो परसेंटेज है वो 7.5 दिया हुआ है और लिथियम 37 का जो परसेंटेज दिया हुआ 92.5 दिया हुआ है। अब हमें इसका एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो एटॉमिक मास इक्वल टू एम वन एन वन प्लस एम टू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। सो व्हेन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एम वन एन वन एम टू एन टू एंड एन वन एन टू, सो ऑलवेज यहाँ जो आपका टोटल कंपोजिशन आएगा वो हमेशा 100 आएगा। तो यहाँ देखा व्हेन वी हैव मल्टीप्लाई दिस टू विल गेट 45.1134 प्लस 6648.98 अपॉन 100 एंड द टोटल इज 694.0934 अपॉन 100 और वी कैन से 6.940934 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 6.940934। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास बोरॉन के दो आइसोटोप दिए हुए हैं, बोरॉन 510 एंड बोरॉन 511, इस क्वेश्चन में हमारे लिए बोरॉन 510 का जो मास दिया है वो है 10.01294 और बोरॉन 511 का मास दिया है वो दिया है 11.00931 यूनिट। बट इस बार हमें एटॉमिक मास भी दिया हुआ है बोरॉन का, दैट इज 10.811U। अब हमें पता करना है कि बोरॉन 510 एंड बोरॉन 511 का परसेंटेज क्या है, दैट इज N1 एंड N2। तो हम सेम फॉर्मूले से जाएंगे, दैट इज एटॉमिक मास इक्वल टू M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। और हमारे पास वैल्यू भी दी हुई है, हमारे लिए हमारे पास एटॉमिक मास कितना दिया है बोरॉन का, दैट इज 10.811 इज इक्वल टू M1 N1 प्लस M2 इक्वल टू 100 माइनस N1। कैसे? हमने आपको बताया था कि जो टोटल कंपोजिशन होता है वो कितना होता है, हमेशा 100, दैट इज N1 प्लस N2 इक्वल टू 100। सो N2 इक्वल टू 100 माइनस N1, सो वी हैव पुट इट हियर 100 माइनस N1 और वी वुड पुट हियर N1 प्लस N2 इक्वल टू 100। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ M1 एंड M2, सो वी विल हैव द कैलकुलेशन एंड इन द लास्ट वी विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ N1। सो N1 इक्वल टू 19.831 अपॉन 0.9967 और वी कैन से N1 इक्वल टू 19.90 या 19.90%। नाउ N2 इक्वल टू 100 माइनस N1, अगेन द पुट द वैल्यू ऑफ N1, सो वी विल गेट N2 इक्वल टू 80.10%। सो N1 इक्वल टू 19.90 एंड N2 इक्वल टू 80.10%। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का। नियॉन के 3 आइसोटोप्स दिए हैं इसमें हमारे पास, 1020, 1021, 1022। सबका परसेंटेज दिया हुआ है, पहले का दिया है 90.51, दूसरे का 0.27 एंड तीसरे का 9.22। पहले का मास जो दिया हुआ है वो 19.99UU, दूसरे का 20.99U और तीसरे का 21.99U। हमें फाइंड करना है एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, जनरल फॉर्मूला एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इक्वल टू M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 अपॉन टोटल 100, N1 प्लस N2 N3 100। व्हेन वी विल पुट द वैल्यूज, सो आंसर विल गेट 2017.71 अपॉन 100, दैट इज 20.1771 एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं इन AMU।